सो फ्रेंड, इस तरह की लिरिक स्टार्टर्स वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में अनलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्लस आइकन जाने के बाद 4:5 रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्लस आइकन जाना है, जो भी सॉन्ग आप ऐड करना चाहते हैं सॉन्ग को आपको जैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई वीडियो सॉन्ग है ऐड करके आपको 3 डॉट में जाके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है। उसका जो वीडियो का पार्ट है आपको डिलीट कर लेना, उसका जो MP3 सॉन्ग इधर से आ जाएगा। उसके बाद आपको लिरिक्स को लिखना है, तो स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट में जाना है। जाने के बाद आपको जो भी आपका पहला लिरिक्स है आपको इधर से लिख लेना है, तो इधर से मैं लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आपको इधर से लिख लेना है, उसके बाद आपको बीच में आपको अलाइन कर लेना है। अलाइन करने के बाद आपको फॉन्ट में जाना है, जाने के बाद ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट साइज में जाना है, इसको आपको 40 कर लेना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको इधर से प्ले करके सुनना है अपने जो लिरिक्स लिखा वो कितना सेकंड तक है, जितना सेकंड है उतना सेकंड तक आना है, लिरिक्स को उतना सेकंड तक ले आना है। उसके बाद आपको लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, आपको डुप्लीकेट लेयर कर लेना है, नीचे वाला लेयर के ऊपर क्लिक करना है। आपको जो भी लिरिक्स है उसको इरेज करना है। इरेज करने के बाद आपको 2 इमोजी आपको अपने हिसाब से इधर से ऐड कर लेना है। फॉन्ट में जाना है, जाने के बाद आपको इधर से ट्रांसपेरेंट कर लेना है। उसके बाद आपको ये फॉन्ट में जाके आपको आईफोन वाला जो फॉन्ट है उसको सिलेक्ट करना है। उसका जो साइज है आपको इधर से इंक्रीज करके 24 कर लेना है, डिक्रीज करके। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर जाना है, जो इमोजी है उसको आपको टेक्स्ट के नीचे आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ पहला जो लिरिक्स है हमारा हो गया। सो फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से जो टेक्स्ट हमारा पहला जो लिरिक्स हो गया उसके बाद हमको इसमें ऐड करना है इफेक्ट। तो इफेक्ट का जो प्रीसेट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं पर भी आपको पासवर्ड मिल जाएगा, वो पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका जो प्रीसेट है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको इस तरह कुछ देखने मिलेगा। तो आपका जो पहला लिरिक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में आना है, 3 डॉट में जाके कॉपी फिट करना है। उसके बाद आपको बैक करना है, बैक करने के बाद जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया था उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो पहला लिरिक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाके आपको पेस्ट इफेक्ट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह हमारा इधर से इफेक्ट ऐड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला लिरिक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में ना जो प्रीसेट पेस्ट आपने किया था और डायरेक्शनल ब्लर है उसको ओपन करना है। 3 डॉट में जाके कॉपी फिट करना है। उसके बाद आपको बैक करना है, बैक करना जो इमोजी लेवर है उसके ऊपर जाना है, इफेक्ट में जाके पेस्ट इफेक्ट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको, क्योंकि इसमें डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट ऐड हो गया हमारा इमोजी लेवर में। तो पहला जो लिरिक्स है हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए आपको ये 2 लेयर को सिलेक्ट करके आपको इधर से कॉपी 2 लेयर करना है। उसके बाद आपका सेकंड लिरिक्स इधर स्टार्ट हो गया, उतना तक जाना है, आपको पेस्ट 2 लेयर कर लेना है। करने के बाद आपको लिरिक्स को इधर से चेंज करना है, तो लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है। जाने के बाद आपको इरेज करना है, जो भी आपका सेकेंड लिरिक्स है आपको इधर से लिख लेना है। लिखने के बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको इमोजी लेवर में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से इमोजी को इरेज करना है, जो भी 2 इमोजी आप दूसरा इमोजी ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से उसको ऐड कर लेना है। उसको राइट क्लिक करना है, उसको प्ले करके सुनना है आपका कितना सेकंड तक है, जितना सेकंड है उतना सेकंड तक आना है। टाइमिंग में जाके दोनों लेयर को उतना सेकंड तक कर लेना है। देख सकते हैं सेकंड हो गया। अगर आप थर्ड लिरिक्स ऐड करना चाहते हैं सेम प्रोसेस, आपको थर्ड लिरिक्स इधर स्टार्ट होता है उतना तक जाना है, आपको पेस्ट 2 लेयर कर लेना है, लिरिक्स को चेंज करना है, उसके बाद आपको इमोजी लेवर को चेंज करना है, उसके बाद उसको टाइमिंग को सेट करना है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप पूरा लिरिक्स को आपको लिख लेना है। लिरिक्स को लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे शेयर ऑप्शन जाना है, जाने के बाद वीडियो के जैसे फुल HD में क्वालिटी आपको फुल लेके जैसे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो फ्रेंड, उसके बाद आपको मोबाइल में कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डाउनलोड करके ओपन करना है। उससे पहले आपको कोई से भी एक VPN एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जाना है। जाने के बाद जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था अभी अनलाइट मोशन में, उसको आपको इधर से सिलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक करना है, जो कि इस तरह वीडियो आ जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बीच में स्प्लिट करना है, यानी कि एक एक लिरिक्स के बीच में आपको स्प्लिट करना है। तो इसलिए आपको ये लेयर को 2 फिंगर में इस तरह जूम कर लेना है। उसके बाद स्लोली स्लोली आपको आगे प्ले करके आपको इधर से जो भी पहला लिरिक्स आपका जिधर एंड होता है उतना तक आना है परफेक्टली। आपको आने के बाद आपको क्या करना है, बीच में आपको स्प्लिट करना है, फिर से आपको इस तरह करके आगे जाना है। सेकंड लिरिक्स आपको देखना है कि जैसे आपका जो सेकंड लिरिक्स है वो एंड होता है, जिधर भी आपका एंड होता है सेकंड लिरिक्स, लिरिक्स के ऊपर क्लिक करके स्प्लिट करना है। फिर से आपको जैसे प्ले करके देखना है अपने जो थर्ड लिरिक्स है किधर एंड होता है, जिधर भी आपको एंड होता है उतना तक जाना है, बीच में आपको स्प्लिट करना है। तो इस तरह करके आपको हर लिरिक्स के बीच में जिधर भी एक एक लिरिक्स आपको एंड होता है, इस तरह करके आपको बीच में अच्छी तरह से उसको स्प्लिट कर लेना, जैसे कि एक एक लिरिक्स हमारा अलग अलग हो जाए, तो इस तरह करके स्प्लिट कर लेना। उसके बाद आपको इफेक्ट ऐड करना है, तो एक ही लिरिक्स में सेम इफेक्ट आपको ऐड करना है, आप दूसरा कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो इफेक्ट है बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए लेयर के ऊपर पहले जो लेयर है उसके ऊपर आना है, एनिमेशन में जाना है। उसके बाद आपको जैसे वेट करना है या आपको डेटा को ऑन रखना है। उसके बाद जो VPN है उसको कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद इस तरह ओपन हो जाएगा। उसके बाद कॉम्बो में जाना है, जाने के बाद आपको ये सेकंड वाला इफेक्ट दिखाई दे रहा है वेव एंड स्लाइड, ये वाला इफेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो कि मैंने ऐड किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप नहीं तो आप दूसरा कोई इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं।
तो फिलहाल ये वाला इफेक्ट मैं सभी में ऐड कर लिया था, तो जो भी आप चाहेंगे अपने हिसाब से, जैसे बहुत ज़्यादा एनिमेशन आपको मिल जाएगा जैसे स्लाइड करेंगे, तो जो भी आप ऐड करना चाहते हैं इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला इफेक्ट पूरी आपको लिरिक्स को ऐड कर लेने, जो कि देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको देखने मिला। तो जैसे आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितना परफेक्ट जो कि जैसा हमारा लग रहा है। तो इस तरह करके आपको लिरिक्स को पूरा सभी में आपको स्पीड करने वाले एक ही इफेक्ट को ऐड करना है एनिमेशन को। उसके बाद आपको वीडियो के जैसे सेव करना है, तो आपको 720 जो है आपको 1080 करना है, फ्रेम रेट को 60 करके आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद ये जो 100% हो जाएगा, होने बाद गैलरी में वीडियो आपका सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड, उसके बाद आपको मोबाइल में नोट वीडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करना है, आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा। डाउनलोड करके ओपन करने बाद आपको इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा, तो आपको जो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है प्लस आइकन, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद जो आपको इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद रेशियो में जाना है, जाने के बाद आपको जैसे कॉस्टो में जाना है, जाने के बाद आपको जैसे 1280 लिखा है आपको जैसे 1080 कर लेना है। उसके बाद आपको जैसे 720 लिखा है आपको जैसे 1350 आपको कर लेना है, जो कि 4:5 रेशियो हो जाएगा। उसके बाद आपको प्लस आइकन में जाना है, जाने के बाद जो वीडियो मीडिया में जाना है, वीडियो में जाना है, जाने के बाद जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था अभी कैपकट एप्लीकेशन में, वीडियो का आपको जैसे ऐड कर लेना। तो जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड करने में देख सकते हैं इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा आपको वीडियो का आगे थोड़ा प्ले करके लेके आना है, जैसे कि टेक्स्ट आपका लिरिक्स दिखाई दे, इस तरह करके आपको स्लाइड करके प्ले करके कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह थोड़ा टेक्स्ट जो कि हमारा इधर से स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको इसमें इफेक्ट ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, इधर से प्लस आइकन जाना है, जाने के बाद आपको जैसे आसे स्टोर में जाना है, जाने के बाद आपको जैसे दिखाई दे रहा है ग्लो, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको देखने मिलेगा। तो आपको जो थ्री शोल्ड है आपको क्या करना है, जैसे थ्री शोल्ड को इस तरह बड़ा कर सकते हैं, कमा कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। तो इधर से मैं थोड़ा उसको कम कर लेता हूँ, जो कि परफेक्टली आपको 49 आपको रख लेना है। उसके बाद जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा आपको इधर से 1.5 के आसपास उसको रख लेना है, जो कि परफेक्टली मैच करेगा, 1.3 रख लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको टेक्स्ट जो कि इफेक्ट यानी कि लिरिक्स दिखाई देगा। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट जो कि हमारा इधर से लग रहा है। तो परफेक्टली इधर से हमारा जो लिरिक्स है इधर से क्रिएट हो गया। तो वीडियो को सेव करने के लिए ये ऑप्शन में जाना है, जाने के बाद आपको जैसे जो प्ले आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना है, इधर से 100% हो जाएगा, होने के बाद वीडियो आपको गैलरी में सेव हो जाएगा।